अलायंस स्टाफिंग सर्विसेज मोहाली ने सोमवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर में साक्षात्कार का आयोजन किया। इंटरव्यू में भाग लेने के लिए आईटीआई होल्डर अभ्यर्थी पहुंचे। 50 से अधिक अभ्यर्थी रोजगार प्राप्त करने के लिए आईटीआई हमीरपुर आए तथा यहां इनका इंटरव्यू लिया गया। आईटीआई के प्रधानाचार्य सुभाष चंद ने बताया कि कंपनी द्वारा हमीरपुर से 20 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों को बाद में सूचित कर दिया जाएगा। कंपनी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को 9,600 से 10,500 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। मैं आज जो हम मैं बेसिकली अलायंस स्टाफिंग सर्विसेज मोहाली से हूँ। आज जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं वो एमटी ऑटोक्राफ्ट परवानु और माइक्रोटेक इन्वर्टर परवानु के लिए लिए जा रहे हैं। इसमें हमारे पास मैम जो वैकेंसीज हैं वो अराउंड 50 वैकेंसीज हैं दोनों कंपनियों को मिला के, और हमने बच्चों को इसलिए बुलाया ताकि उनके हम उनको जॉब दे सकें। जी कितने बच्चे? अभी मैम यहाँ से हम लगभग 20 बच्चे चयनित करके ले जाएंगे। क्या क्वालिफिकेशन देख रहे हैं आप? मैम हम उनकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, जैसे कि उन्होंने आईटीआई कौन से ट्रेड में की हुई है और उनका नॉलेज कितना है, उस आधार पे हम बच्चों को लेके जाएंगे। कितनी पे स्केल हो? मैम डिफरेंट पे स्केल है। जैसे अभी माइक्रोटेक इन्वर्टर की बात करें तो वहाँ 9,600 CTC है, और अपना एमटी ऑटोक्राफ्ट की बात की जाए तो वहाँ सैलरी 9,300 रुपीज़ है CTC। जी कंपनी के द्वारा मैम ESI और PF है प्लस सब्सिडाइज फूड। जी रहने खाने का बच्चों का अपना रहेगा, एक टाइम कंपनी में कैंटीन सुविधा है। जी प्रावधान अगर वो तो अकॉर्डिंग टू, अगर जिस दिन वर्क होगा तो ओवर टाइम भी लगेगा बच्चों का, एक घंटा से करेगा, एक घंटे का अकॉर्डिंग टू सैलरी रहेगा, जितनी उसकी सैलरी होगी उसके आधार पे सिंगल ओवर टाइम है। जी आज आईटीआई हमीरपुर में अलायंस स्टफिंग सर्विस कंपनी के द्वारा कैंपस इंटरव्यू किया जा रहा है, जिसमें ये कंपनी जो है वो एमटी ऑटोक्राफ्ट एवं माइक्रोटेक इन्वर्टर परमाणु के लिए आईटी पास, 10वीं पास तथा प्लस टू पास बच्चों को किए हुए बच्चों को प्लेसमेंट के लिए ले जा रही है। इन बच्चों को जो सिलेक्ट हो जाएंगे बच्चों को 9600 रुपये से लेकर 10,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा ये कंपनी 6 महीने जो वो अलायंस, ये जो बच्चे सिलेक्ट होंगे चयनित होंगे इनको अलायंस कंपनी में 6 महीने के लिए रोज़गार दिया जाएगा। उसके बाद इनको जो एमटी ऑटोक्राफ्ट और माइक्रोटेक इन्वर्टर में परिवर्तित कर दिया जाएगा, और ये बच्चों के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उनका बिहेवियर कैसा रहता है, 6 महीने कैसे ट्रेनिंग रहती है, कैसे अपने आप को रखते हैं। इसके साथ हमारी इस कैंपस में आज वोकेशनल ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कराई जाएगी वोकेशनल स्टूडेंट के लिए, जो कि जोर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोर सप्पड़ के प्लस 1 और प्लस 2 के वोकेशनल के शिक्षार्थी आए हुए हैं। इनके साथ मिस स्नेहा वोकेशनल इंस्ट्रक्टर और श्री किशन चंद सोनी जी बच्चों के साथ और PTI आए हुए हैं, जो कि इन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग के बीच में आपको कैसे कैसे रहना है, क्या क्या काम करने पड़ेंगे। और जो बच्चे हमारे पास आए हुए हैं इनको COVID-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार, सारे नियमों के अनुसार इनको अपनाए गए हैं। मास्क लगाना जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर करना जरूरी है, और 2 मीटर की दूरी स्पेस बरकरार रखना जरूरी है, इनके अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।